नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, हर वर्ष अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जितिया व्रत रखा जाता है। इस वर्ष 6 अक्टूबर को जितिया व्रत रखा जाएगा। सनातन धर्म में इस पर्व का अति विशेष महत्व है। शास्त्रों में निहित ही जितिया व्रत करने से संतान की लंबी आयु होती है। इस व्रत के पुण्य प्राप्त से संतान तेजस्वी होता है, साथ ही माता पिता का नाम रोशन करने वाला होता है। ज्योतिषों की माने तो जितिया व्रत पर दुर्लभ शिव योग समेत कई शुभ से योग बन रहे हैं। इन योग में भगवान शिव की पूजा करने से व्रती को फल की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं शुभ योग के बारे में। नंबर 1, शिव योग। दोस्तों, जितिया व्रत पर शिव योग का निर्माण हो रहा है। इस योग में भगवान शिव की पूजा करने से व्रती को अमोघ फल की प्राप्ति होती है। शिव योग का निर्माण दिन भर है। व्रती किसी समय भी आराधना भगवान शिव की पूजा कर सकती है। नंबर 2, स्वार्थ सिद्धि योग। दोस्तों, जितिया व्रत पर स्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। इस योग का निर्माण संध्या काल 9:32 से लेकर अगले दिन सुबह 6:17 तक है। नंबर 3, शुभ मुहूर्त। दोस्तों, अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 6 अक्टूबर को 6:34 से शुरू होगी, अगले दिन यानी कि 7 अक्टूबर को सुबह 8:08 पर समाप्त होगी। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ मेरी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलूंगी एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।